छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के काफिले में लगी पायलट गाड़ी गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र में खपरी नाले के पास हादसे का शिकार हो गई, जिससे गाड़ी में सवार एक प्रधान आरक्षक की मौत हो गई। वहीं तीन लोग घायल हो गए, जिसमें एक व्यक्ति की हालत अब भी गंभीर है। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अंबिकापुर में होने वाली भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए बिलासपुर से सरगुजा के लिए रवाना हुए थे। हादसा देर रात करीब 1 बजे हुआ। वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। गाड़ी में ड्राइवर समेत 4 पुलिसकर्मी सवार थे। इसमें प्रधान आरक्षक रविशंकर प्रसाद की मौत हो गई है। खरपरी नाला के पास में जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई, उसमें 4 लोग थे, उनमें से 1 लोग तो खत्म हो गया है जी। और जो ड्राइवर था जी, उसको भी मतलब कंधे में चोट लगी, उसकी हड्डी खिसक गई है जी। और उनका रामदेव और प्रदीप लोग, इनको भी लगा हुआ है, मामूली चोट लगी हुई कमर में जी। मृतक हमारा रविशंकर प्रसाद, उसकी उम्र लगभग 55 वर्ष है। वो तो वहीं खत्म ऑन स्पॉट ही खत्म हो गया था। प्राथमिक उपचार करने के बाद मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के लिए भेज दिया गया है 1 से 8 में।